हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मुन्ना बजरंगी हत्याकांड, बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा, कहा पैसा देकर जेल के अंदर सब कुछ हो सकता है, रेप को भगवान राम भी नहीं रोक सकते, जैसा बयान देने वाले बीजेपी के बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने मुन्ना बजरंगी की हत्या पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून ने न्याय करने में देर की तो ईश्वरीय शक्ति ने मुन्ना बजरंगी को मारने के लिए किसी को प्रेरित कर दिया। अपनी ही सरकार की नाक के नीचे हुए इस हत्याकांड पर खुशी जाहिर करते हुए विधायक ने कहा कि मुन्ना बजरंगी मारा गया, इसे ईश्वरीय व्यवस्था ही मानिए, क्योंकि कानून के तहत भले ही इसमें देरी हो रही थी लेकिन ईश्वरीय शक्ति ने ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित कर दिया। सिंह ने कहा इस घटना से ये प्रमाणित हो गया कि जो जैसा करेगा उसको उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। सृष्टि का संचालन करने वाला अपने हिसाब से सृष्टि चलाता है, वो जिसको दंड दिलवाना चाहता है जिस तरीके से दिलवाना चाहता है वो दंड दिलवाता है। बीजेपी विधायक ने मुन्ना बजरंगी की हत्या के बहाने अपनी ही पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस घटना से राज्य की नौकरशाही के भीतर का भ्रष्टाचार एक बार फिर सामने आ गया। विधायक ने दावे के साथ कहा कि पैसे के दम पर जेल के अंदर क्या नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या करने के लिए पैसा देकर जेल में हथियार लाया गया होगा। विधायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जेल के कर्मचारी बिके नहीं तो हथियार सुनील राठी तक कैसे पहुंचा। 9 जुलाई को माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की यूपी की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी जेल में बंद सुनील राठी पर मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोप है। गौरतलब है कि सुरेंद्र सिंह वही विधायक हैं जिन्होंने उन्नाव में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा रेप की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर भगवान राम भी आ जाएं तो इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। उन्होंने रेप की घटना को समाज का स्वाभाविक प्रदूषण बताया जिससे कोई नहीं बच सकता। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।